हेलो गाइज, वेलकम टू आईआरएम फिटनेस। मैं याद राम मीना, आज आपको बताने वाला हूँ हाइड्रेशन के बारे में। अभी गर्मी आ चुकी है तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। जैसे अपन को पता है अपनी बॉडी अराउंड 70% तक वाटर से बनी होती है, तो आपको वाटर किस चीज़ में हेल्प करेगा, आपकी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने में, आपकी टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और आपका जो भी वेस्ट है बॉडी का उसको रिमूव करने में। तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो वाटर कंटेन करते हैं, जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, आपकी स्किन्स, आपकी बोन्स और आपकी मसल्स वगैरह जो वाटर कंटेन करती है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि वाटर आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है? तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अपने यूरिन को चेक करना है। अगर यूरिन का कलर बहुत ही डार्कर है आपके यूजुअल यूरिन के कलर से, तो आपकी बॉडी के डिहाइड्रेटेड होने के चांसेस है। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। और जैसे आपकी यूरिन की क्वांटिटी बहुत कम है, या फिर आपको आपका ड्राई माउथ है, या आपको एक्सट्रीम थर्स्ट लग रही है और आप वाटर इंटेक नहीं कर रहे, या फिर जैसे स्लीपीनेस आपको फील हो रहा है और ऐसे फटीग आपकी बॉडी को ऐसे फील हो रहा है, तो आपकी बॉडी के डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है। तो आपको वाटर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड कैसे रखना है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी को अराउंड, जैसे अडल्ट मेल है तो उसको अराउंड 3 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, और फीमेल के लिए अराउंड 2.2 लीटर है। ये बेसिकली आपके एज, जेंडर और आपके जो लिविंग कंडीशन है, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, उस पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो जिससे आप अपने वाटर की क्वांटिटी ही नाप सकते हो कि कितनी वाटर क्वांटिटी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आपके डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्स्ट्रा कैलोरी अगर चाहिए, तो जैसे स्पोर्ट्स ड्रिंक वगैरह होती है उनमें कुछ शुगर की मात्रा होती है, तो और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, तो जिससे आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये आपको जब भी चाहिए, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, या बहुत ज़्यादा वर्कआउट आपका, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रूटीन है आपके वर्कआउट का, नहीं तो आपको प्लेन वाटर ही बहुत सही है आपकी बॉडी के लिए। और प्लेन वाटर की बात खास बात यह है कि आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं मिलती, जिससे ये आपके हेल्दी वेट लॉस को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको हाइड्रेटेड रहने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने साथ में एक वाटर बॉटल, रीयूजेबल वाटर बॉटल रख सकते हो, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, और उसको आप फिल करके रख सकते हो। अगर आपको प्लेन वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप उसमें लाइम वगैरह ऐड कर सकते हो, जिससे आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और जैसे अगर आप वर्कआउट करते हो, तो आपको वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बीच में और वर्कआउट के बाद में भी आपको वाटर इंटेक रखना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अगर आपको उसको रिमेंबर रखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर डाल सकते हो कि मेरे को हर घंटे के स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा बहुत पानी पीना है, तो उससे आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में आसानी होगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई पुट नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।